चलिए यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा सी आउट लेस देन लेस देन, फूड फूड छोड़ते हैं, कुछ और बना देते हैं। हाँ फैशन डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग स्टोर, अगर मैं रोज आया ना फिर फूड का नाम आ जाएगा तो फिर दिमाग का खोज खा तो नहीं जाएगा, बस सिर्फ मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा और क्या होगा। तो यहाँ पे हम रख के इसको यहाँ से न्यू ले लेते हैं लाइन, और फिर यहाँ पे क्लिक करके इसके नीचे हमने ऐसे रख लिया, यहाँ पे ऐसे रख लिया। फैशन डिजाइनिंग स्टोर है, अब इसके ऊपर हमें क्या आइटम दस्तयाब है, तो हम इसका नाम रखने क्लास का पैराडाइज, ठीक है। तो इसको अभी रिटर्न जीरो लिख लेते हैं यहाँ पे, सिस्टम को पास करा देते हैं यहाँ पे, तो प्रोग्राम को रन कराया इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। पास के लिए भी एक एंड ऑल यूज कर लेते हैं, ये हमारा बन गया बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम। अब सबसे पहले इसका हम बनाएंगे स्टोर का मेन्यू बनाएंगे, ठीक है। तो मेन्यू कैसे बनाएंगे, मेन्यू बनाने सी आउट लेस देन डबल कोट्स वन, ठीक है। सपोज टू बी अब इसमें ये कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे लिखा शर्ट्स, ठीक है, और यहाँ पे न्यू लाइन दे दिया, इस तरह से कर दिया, कॉपी किया इसको यहाँ से, एंड देन इसी चीज़ को दोबारा से हमने चार पांच आइटम्स हमने ऐड कर दिए, टू पर थ्री पर फोर पर फाइव पर, इस तरह से हमने डिजाइन किया। यहाँ पे हमने लिख दिया पैंट्स, यहाँ पे हमने लिख दिया टी शर्ट, और यहाँ पे हमने लिख दिया कैप, यहाँ पर हमने लिख दिया शूज, ठीक है। ये मुख्तलिफ आइटम अवेलेबल है।